कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कोरोना का नया वेरिएंट जैसे ही सामने आया है वैसे ही लोगों को डर लगने लगा है, क्योंकि कोरोना ने जो तबाही मचाई थी वो सभी के जहन में है। कोरोना के मामले चीन, जापान, ब्राजील, यूएसए में काफी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 अब भारत में आ चुका है। भारत सरकार में हर जिले तक एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि कोरोना का कोई भी मामला सामने आता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवानी जरूरी है, उससे ये पता चल जाएगा कि कौन से वेरिएंट का कोरोना है। तो वहीं हरियाणा सरकार भी अलर्ट हो गई है, अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और हरियाणा के हर जिले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। ये कुरुक्षेत्र की तस्वीर आप देख सकते हैं, यमुनानगर की तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर टेस्टिंग की जा रही है प्रॉपर। अगर कोई फीवर का मरीज भी सामने आ रहा है तो उसकी भी जांच की जा रही है। जिस तरह से आदेश यहां पर जारी किए गए हैं उसका पालन यहां पर किया जा रहा है। कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। चीन, अमेरिका, ब्राजील, हर जगह कोरोना के मामले आ रहे हैं। भारत में भी नए वेरिएंट के कुछ मामले सामने आए हैं। करनाल में स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, हमारे साथ सिविल सर्जन योगेश शर्मा जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, कोरोना के मामले विश्व के अंदर अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या स्थिति है भारत की, हरियाणा की, करनाल की? देखिए, डेफिनेटली सारे कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे कोविड के केसेस बढ़े हैं, स्पेशली चाइना में, जापान में, यूएस में। तो उसको देखते हुए भारत सरकार ने भी संज्ञान लिया है और कुछ एडवाइजरीज इशू करी हैं। अगर हम करनाल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एक अच्छी बात है, पिछले लगभग 1.5 महीने से कोई भी किसी तरह का कोई पॉजिटिव केस यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुआ है। और इसके अतिरिक्त अभी कोई भी एक्टिव केस भी करनाल डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो लेकिन फिर भी करना जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट है। हमने सभी जो प्राइवेट के डॉक्टर्स हैं, IMA के डॉक्टर्स हैं, अपने सरकारी डॉक्टर्स हैं, उनको भी इंस्ट्रक्शन इशू की है कि उनको कोई भी ऐसा कोई केस आता है जिसको उनको शक लगता है कि वो उसके कोविड जैसे सिम्टम्स हैं तो उसको इमीडिएटली टेस्टिंग कराए। टेस्टिंग अभी भी हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्र में पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ योगेश शर्मा जी, सिविल सर्जन, जिन्होंने कहा है कि फिलहाल करनाल में कोई भी एक्टिव केस नहीं है, पिछले कुछ दिनों में कोई भी मामला भी कोरोना का सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी हुई है उसको लेकर वो पूरी तरह से अलर्ट हैं और करनाल के अंदर लोगों ने वैक्सीनेशन भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगवाई है, तो उससे इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट जरूर रहना चाहिए। खबरें अभी तक के लिए करनाल से, हिमांशु नारंग। चीन में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और इसका असर देश और दुनिया में देखने को मिलेगा। भारत में भी इसको लेकर नई गाइडलाइंस जारी हो गई हैं और हमारे साथ मौजूद हैं रोहतक CMO और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह की गाइडलाइंस जारी हुई है। सर, सबसे पहले बात करेंगे जो नया वेरियंट आ रहा है, चीन में रफ्तार पकड़ ली है, कई और देशों में भी अब इसका असर देखने को मिल रहा है, भारत में भी लगभग 4 से 5 पेशेंट मिल चुके हैं, नई गाइडलाइंस जारी की गई है सरकार द्वारा, क्या वो गाइडलाइंस? देखो, जैसे कि हमारी कोविड की पहली भी लहर आई है, फर्स्ट लहर, सेकंड लहर, थर्ड लहर, तो किसी भी एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइन जो पहले जारी की गई थी वही गाइडलाइंस हैं। इस इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। और चौथा ये है कि जैसे कि भीड़ भाड़ का जो इलाका है उसके अंदर हमें अवॉइड करना चाहिए वो, और चौथा ये है कि जो वैक्सीनेशन है वो प्रॉपर हमें करवानी चाहिए। तो अगर हम ये प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं तो कोई भी इन्फेक्शन है उसको हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही अपील है कि इन जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनका हम प्रॉपर वे से इस्तेमाल करके हम इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, ये थे हमारे साथ CMO अनिल बिरला जी, जिनका ये कहना है कि सहूलियत बढ़ते, प्रिवेंटिव मेजर्स लें, घरेलू उपचार लें। और आपको बता दें कि भारत में भी BF.7 जो वायरस है, नया वायरस है कोरोना का, उसने अपनी दस्तक दे दी है, लगभग आधा दर्जन लोग अभी प्रभावित हैं और बताया जा रहा है कि बहुत ही तेजी से ये वायरस जो है फैलेगा। खबरें अभी तक के लिए रोहतक से, दीपिका।